एक्यूप्रेशर में ये फिंगर रिंग होती है, इसको उंगलियों में चलाना होता है। जैसे ये देखिए, इसको उंगली में पहन लीजिए और जितने जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स में इसको 10-10 20-20 बार चलाइए। उसी तरह दूसरे जॉइंट में, ये जॉइंट में आप उसी के उसमें चलाइए, फिर तीसरे जॉइंट में, जिसको वात जॉइंट बोलते हैं, ऊपर वाले जॉइंट को वात जॉइंट बोलते हैं, वात जॉइंट में चलाइए। ये बीच वाला पित्त जॉइंट कहलाता है और ये नीचे वाला कफ जॉइंट कहलाता है। इन पे, इस पे चलाने के बाद फिर आप इसको इस तरह भी चला सकते हैं। ऐसा आप प्रत्येक उंगली में एक एक मिनट करेंगे तो ये सारी ऑर्गन्स की ऊर्जा संतुलित हो जाएगी और आपके आपको बहुत आराम मिलेगा पूरे शरीर के, पूरे शरीर को इसी उंगलियों में स्थापित किया गया है। और इस एक्सरसाइज से जो उंगलियों में मेरिडियंस स्थापित हैं वहाँ पर ऊर्जा संतुलित होगी। लीवर और गाल बडर की आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार लीवर और गाल बडर की मेरिडियंस इस उंगली में जाती है। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर की मेरिडियन इसमें स्थापित है। इसको आप चलाएंगे तो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर जो है उसकी ऊर्जा संतुलित होगी। इसी प्रकार स्टमक की और स्प्लीन की ऊर्जा राइट रिंग फिंगर में आप चलाएंगे तो वहाँ पर ऊर्जा बैलेंस होगी। लंग्स की और लार्ज इंटेस्टाइन की ऊर्जा इस उंगली में चलाने से संतुलित होगी और हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन की ऊर्जा लेफ्ट स्मॉल फिंगर में चलाने से बैलेंस होगी। स्पाइन का ट्रीटमेंट करना हो तो आप लेफ्ट रिंग फिंगर में चलाएंगे तो स्पाइन और मेडुला की ऊर्जा संतुलित होगी। सेरेबेलम के लिए और पोन्स के लिए लेफ्ट मिडिल फिंगर पर आप रिंग चलाएंगे तो वो उसकी ऊर्जा